मेरा नाम साधना है, मैं एसजी धन कमाई चैनल से बात कर रही हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सभी लोग जानते होंगे जो खाने में यूज होता है, पर इनके छिलके का आप क्या करें ये सभी जानते हैं। हाँ, हम वेजिटेबल्स का कचरा और फ्रूट्स का कचरा, सब फ्लावर्स का कचरा कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। आज हम दोस्तों इसका कंपोस्ट नहीं बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम फर्टिलाइजर, वो भी लिक्विड फर्टिलाइजर। इसको हम एक जार में या बोतल में डाल लेंगे और पानी डालकर थोड़ा गुड़ डालेंगे। जिस तरीके से हमने रोज का फर्टिलाइजर बनाया है, इसी तरीके से हम पपाया का फर्टिलाइजर बनाएंगे। दोस्तों, हमने ये बोतल में पपीता के छिलके डाल लिए हैं। इसमें हम अब ये गुड़ है, थोड़ा गुड़ डाल देंगे एक छोटी डेली के बराबर, और इसमें पानी डाल देंगे। पानी वही टेप वाटर है, मिनरल वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और आधा बोतल के करीब थोड़ा भर लें जिसमें ये पूरा डिप हो जाए दोस्तों। ये देखिए, हमने पूरा भर दिया है और इसको हम अच्छे एयर टाइट ढक्कन से इसको ढक देंगे। दोस्तों, जब ये पैक रहता है तो गुड़ के कारण ये फर्मेंटेड होगा और कोई भी पुराने फ्रूट्स या सब्जियों के छिलके अच्छा हम पैक करके रख देते हैं तो उसमें इथाइलिन नामक गैस बन जाती है। इसी के लिए रोज़ हम इसका ढक्कन हटाकर इसको चलाकर फिर ढक देंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एयर टाइट बॉक्स रहना ज़रूरी है, ढक्कन जब एयर टाइट नहीं होगा तो हमारा ये उड़ के गैस के कारण ढक्कन उड़ जाएगा और इसका पूरा जो हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं वो भी उड़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, ये हमारा पपाया फर्टिलाइज़र है जो आज तक आपने देखा ना सुना होगा। कुछ हम नया करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी साथ दीजिए, आप देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।